आपके परिवार कैसे हैं? जरूर अच्छे होंगे, खुश होंगे, भगवान का आशीर्वाद से। सुबह का अभी 9 बज चुका है, मेरा रोज का काम खत्म करके नहा करके पूजा करने हैं। 7 बजे तक हो गया था, हम बैठे थे क्योंकि नाश्ता नहीं बनाए, कल रात में जो बनाए थे सब कुछ है तो इसीलिए नाश्ता नहीं बनाया। अभी जा रहे हैं, पूरा लंच के लिए तैयारी करेंगे और लंच बनाएंगे। नाश्ता मतलब करे नहीं कोई, किसी को करने मन है तो कर ले गया थोड़ा बहुत। आज कुछ बनाएंगे, आज मटन बनेगा। आज मटन को थोड़ा हम लोग अलग स्टाइल में बनाएंगे तो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। इधर मटन मम्मी धो के रख दी अच्छा से, इधर प्याज भी कटिंग हो गया है, तेज पत्ता। हम लोग आलू खाते हैं मटन में, बंगाली लोग खाते ही हैं। इधर रसन गोटा वाला हम लोग ऐड करेंगे उसके अंदर, ये भी अच्छा लगता है। इधर हाथ में मसाला पीस रहे हैं। मसाला में हम लोग ऐड करेंगे सूखा मिर्चा, गोलकी जिसको काला मिर्च भी बोलते हैं, अदरक, रसन, छोटा इलायची, जीरा को सिलबट्टा में हाथ में पीस रहे हैं, ज्यादा टेस्ट आएगा। इधर टमाटर काट के रखे हैं, इधर मम्मी अलग से जीरा को पेस्ट करके बना के रखी हुई है। कुकर के अंदर पानी ऐड करेंगे पहले, एक गिलास, ज्यादा नहीं ऐड करेंगे। उसके अंदर तेज पत्ता दे देंगे, आप लोग को जितना मर्जी तेज पत्ता दीजिएगा, हम लोग दो को दिए। जीरा पिसा हुआ जीरा को पेस्ट करके मम्मी अच्छा से हाथ में पेस्ट की थी, उसको इसमें डाल दी, पानी के अंदर ऐड कर देंगे। आज थोड़ा अलग स्टाइल से बना रहे हैं हम लोग, मेरा मम्मी इसे बनाती थी। इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, इसमें छोटा दाना का इलायची ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा चीर देंगे ताकि इलायची का खुशबू भी आए, इलायची का दाना भी लगे मुंह में थोड़ा। उसके बाद मटन उसके अंदर डाल देंगे, धोया हुआ था हाँ, पूरा अच्छा से इसको क्लीन कर लिए हैं। अच्छा से सबको एकदम मिक्स कर लेंगे, उसके बाद कुकर को गैस पे चढ़ा देंगे। गैस पे चढ़ा दिए कुकर को, 3 सीटी के बाद बंद कर देंगे। ये वाला कढ़ाई में इधर आलू फ्राई चल रहा है, आलू को अच्छा से ब्राउन करके एकदम फ्राई कर लेंगे, इसको बाद में ऐड करेंगे, अभी नहीं ऐड करेंगे। 3 सीटी लगा लिए हैं कुकर में, इधर तेल गरम हो रहा है, अभी प्याज फ्राई करेंगे। इधर आलू अच्छा से फ्राई हो चुका है, देखिए एकदम तेल गरम हो चुका था, प्याज ऐड कर दिया तेल के अंदर, इसको अब अच्छा से एकदम ब्राउन कर लेंगे। ब्राउन करके एकदम फ्राई कर लेंगे अच्छा से, इसमें हल्का सा नमक ऐड करेंगे ताकि जल्दी फ्राई हो जाए। देखिए अच्छा से एकदम प्याज ब्राउन हो चुका है। इधर जो मटन को उबालने के लिए डाले थे वो भी अच्छा से उबल के रेडी हो गया है। अब इसके अंदर मसाला ऐड करेंगे, प्याज के अंदर मसाला में हल्का सा हल्दी ऐड करेंगे, आप लोग जितना खाना चाहेंगे आप लोग के स्वाद के अनुसार। थोड़ा सा मीट मसाला ऐड करेंगे, इससे अच्छा टेस्ट आता है। देखिए कितना अच्छा कलर अभी से आया है। इसके अंदर टमाटर जो कट करके रखे थे उसको डाल दिए, इसके अंदर गोटा वाला लहसुन ऐड करेंगे हम लोग, आप लोग भी ऐड करके खाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। लहसुन मसाला एकदम अच्छा से फ्राई हो जाएगा, उसके बाद इसमें आलू ऐड करेंगे, देखिए कितना अच्छा कलर दिख रहा है अभी से। मसाला लहसुन अच्छा से एकदम फ्राई हो चुका है, तेल चारों तरफ छोड़ चुका है, एकदम कलर भी एकदम मस्त वाला आया है। उसके बाद आलू ऐड कर देंगे, आलू तो पहले से फ्राई है इसीलिए थोड़ा सा हल्का मसाला के साथ बस फ्राई कर दिया। उसके बाद मटन को ऐड कर देंगे, उबला हुआ मटन को, मटन आलू मसाला एकदम अच्छा से और फ्राई करेंगे 15-10 मिनट तक, अच्छा से एकदम फ्राई करेंगे। 15 मिनट तक अच्छा से एकदम फ्राई कर चुके हैं मटन को, इसमें अब गर्म पानी ऐड कर देंगे, देखिए कितना अच्छा से फ्राई हो चुका है। इसमें गर्म पानी ऐड कर दिए, ज़्यादा कड़ी नहीं रखेंगे लेकिन थोड़ा कड़ी रहता है, हम लोग मटन में थोड़ा कड़ी अच्छा लगता है हम लोग को। मटन बन के रेडी हो गया है एकदम मस्त वाला, कलर देखिए कितना अच्छा आया है, खुशबू भी बहुत अच्छा आ रहा है। आप लोग इस तरह से बना के खाइएगा, बहुत टेस्टी लगता है। आज लंच का मेन्यू बना है झींगी आलू पोस्तो, मटन और एक कल का फिश था, आज फिश नहीं लाए हैं। आज का मेन्यू यही है, अभी चावल नहीं बना है, बनेगा। दिन में जो मटन बनाया था वही है, उसी में रोटी बना करके डिनर कर लिए,
आप लोग भी मेरे तरह मटन को सिंपल बना करके खाइए, अच्छा है। मेरा ये मटन बनाना मेरा मम्मी बनाती थी, मेरा मम्मी हमेशा ऐसे ही बनाती थी, इसीलिए मेरा याद आ गया, तो आप लोग से भी हम शेयर कर रहे हैं। बहुत गर्मी, एक दिन नहीं बारिश हो रहा तो जमशेदपुर में बहुत गर्मी, शायद दूसरा तरफ हो रहा क्या पता, बिष्टुपुर और सांची तरफ हो रहा शायद, क्यों ना उधर बहुत पेड़ पौधा है, इधर इंडस्ट्री एरिया है, इतना बारिश नहीं होता है, इसीलिए देखिए कल सुबह तक हो रहा था, कल दिन भर नहीं हुआ, शाम को भी थोड़ा बहुत हुआ, आज दिन भर नहीं है, पूरा एकदम काम करते करते पूरा पसीना पूरा बह जाएगा। आज का ब्लॉग यही करते हैं, कल न्यू ब्लॉग में फिर आप लोग से मिलेंगे, खुश रहिए, अच्छा से रहिए, मेरा ब्लॉग जरूर देखिए, गुड नाइट, बाय।